अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ महनाज अहमद और मेरे साथ है मेरी सिस्टर महरीन अहमद। और महरीन ने ये हलवा बनाया है, मैं भी बनाती हूँ लेकिन आजकल महरीन बना रही हूँ। आज मैंने बनाया बेसन का हलवा, जब अभी बना रही थी तो वो वीडियो ए में आप देखेंगे रेडी हो गया है, जब पक रहा था मैंने उसमें दूध भी ऐड किया था उसमें और इलायची पाउडर भी डाल दिया था और ये हलवा रेडी हो गया। मैं सब चीज़ें मिक्स कर भून लिया मैंने और दूध डाल के भून दी, थोड़ा लाउडली बोल इसका ये लुक आ गया। ठीक है, ये लुक आ गया इसका, देखो कितना ब्राउन खूबसूरत कलर आया और खाने में यकीन टेस्टी भी होगा। चीनी भी डाल दी मैंने और वो डाल था मैंने, मैं खाऊंगी ये वाला जिसमें ये वाला खाऊंगी। नट मछली लगे मैं पसंद नहीं करती, मैं कैसे खाते हलवा मुझे पसंद नहीं, बहुत मज़े का लग रहा है, खाने में भी टेस्टी होता है। अभी मैं मेहनत की बुनाई करके बहुत अच्छे से बनाया इसमें हलवा को, जैसे मैं बनाती हूँ मेरा तरीका है, हर इंसान अपने तरीके से बनाता है, मैं अपने तरीके से बनाती हूँ। तो ये सब अपने अपने मिजाज के मुताबिक बनाते हैं। मैं बनाती रहती हूँ, मैं पकाती हूँ, तो मेरे साथ चाहते बनाना आता है मीठा अच्छा, मैं अभी मीठा खाना अच्छा होगा और अभी मैं बना रही हूँ गोश्त खाना। आई लव मीठा स्वीट, गोश्त खाना मैं आपको दिखाती हूँ आपको वीडियो में। और ये गोश्त का सालन बना रही है महरीन अहमद। इसमें मैंने डाला है ऑयल, अदरक लहसुन प्याज पीस के ब्लेंडर में। ठीक है, ये मैं अपने तरीके से बनाती हूँ और इसमें मैं डालूँगी सब मसाले। इसमें है धनिया, हल्दी, गरम मसाला, जीरा, सारे जो मसाले होते हैं नॉर्मली घर में होता है सबके पास, सालन डाल जो सालन में डालते हैं। ठीक है, और मैं इसमें डाल देंगे ये बीफ है, इसको गलने में टाइम लगेगा, अब इसको मैं ढक दूँगी क्योंकि आँच पे ये गलता रहेगा। गाय का गोश्त है, ये गाय का गोश्त बीफ। और जब ये वो मुझे पसंद है, मैंने आपको पसंद है, मुझे पसंद है बीफ पसंद है, तो फिर दिखाऊंगी ये बन जाएगा, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो आज मैंने दो बना ली चीज़ें, हलवा और ये मैं गोश्त बना रही हूँ अभी दोपहर के खाने। अब लोग हमारे चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, कीजिएगा सब्सक्राइब नहीं करते इंसानों का सब जानवरों का ख्याल रखिएगा बहुत सारा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।